अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफरोज, तेज न्यूज में आपका इस्तकबाल है। बीदर की पुरानी बस्ती ओल्ड सिटी को मुकम्मल सील डाउन किया गया था, लेकिन अब कुछ अफेक्टेड वार्ड्स को छोड़कर तमाम पुरानी बस्ती ओल्ड सिटी को खोला जाएगा। ये बात बीदर के रुकन असम्बली जनाब रहीम खान ने मीडिया नुमाइंदे से बात करते हुए बताई। आदाब, आज मैं सभी ओल्ड सिटी के दोस्त, मेरे भाई और सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ओल्ड सिटी सील हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, उसके बारे में बहुत लोग परेशान थे, मैं भी बहुत दुखी था। लेकिन दो दिन पहले डीसी की इंचार्ज मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी मैं ये मुद्दा उठाया था और इस मुद्दे पे सभी एमएलए सपोर्ट किए थे और उस मुद्दे में ये बोले थे कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करी थी, अभी स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी थी, वो स्टेट गवर्नमेंट के दो दिन में ऑर्डर आने वाले हैं, दो दिन के ऑर्डर आते कि अंदर का एरिया सील्ड जो है उसको ओपन करते बोले थे। और अभी मैं दो घंटा पहले मीटिंग में वहाँ पे था और उस मीटिंग में दो तीन वार्ड को छोड़ के बाकी पूरे वार्ड अप टू अम्बेडकर सर्कल तक सीज है एरिया। मुतानी कॉलोनी, लेबर, ये डीसीसी बैंक का एरिया, ये सभी एरिया अंदर ओल्ड सिटी से स्टार्ट होके अप टू अम्बेडकर सर्कल तक सीज है एरिया। और वो पूरे एरिया को रिलीज करने के लिए मैं बहुत बार बात किया हूँ, बहुत बार बोला हूँ, क्योंकि कितने बार मीटिंग में बोला हूँ वो लोगों को पता नहीं है, हर मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था। लेकिन आज उसका क्लियरेंस हुआ है, आज उसका ऑर्डर हुआ है स्टेप बाय स्टेप, और आज से पूरे वार्ड खुलने वाले हैं, कल कुछ खोलेंगे, आज कुछ खोलेंगे, ये दो दिन के अंदर पूरे वार्ड, दो तीन को छोड़ के पूरे वार्ड को रिलैक्सेशन मिलेगा, ये ऑर्डर हो चुका है। इसकी मैं सभी लोगों को, क्योंकि आज जगने की रात भी है, इसकी मुबारकबाद, जगने की रात की मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। और ये लॉकडाउन ओपन जो नई कमान जो सिद्धार्थ कॉलेज के पास जो बंद है वो एरिया खुलने वाले है, उसकी भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ सभी को। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।